नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस बखूबी अपने फर्ज को अंजाम देने में लगी है, ताकि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। पुलिस द्वारा सभी नियमों और हिदायतों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों की आवाजाही पर भी बराबर नजर रखी जा रही है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। एक रिपोर्ट। वैश्विक कोरोना महामारी से पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द समाप्त कर सके और सामान्य जीवन फिर से बहाल हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं, जिससे लोग हिदायतों का पूरी तरह से पालन करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। साथ ही पुलिस ये भी आश्वस्त करने में लगी है कि जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। पुलिस द्वारा कोशिशें लगातार जारी हैं, ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने से नहीं चूक रहे और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि वे आगे से ऐसी गलती ना करें। जो अजीब अजीब बहाने कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों की सेफ्टी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात रही, हमने ऐसे लोगों को जो गलत मूवमेंट कर रहे थे, जिनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उनको हमने सख्ती से हमने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और उन्हें आगे आने वाले दिनों में कोर्ट में उन्हें बारम्बार उनको जाना पड़ेगा और कोर्ट से सजा भी देगी। पुलिस कर्मी दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे हैं, ताकि कोविड-19 महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अपने कार्य के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी इस बीमारी के चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस कर्मियों को हर प्रकार की सावधानी बरतने की हिदायत दी है। कई पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में सैनिटाइजेशन टनल भी लगाए गए हैं। इनके अंदर से गुजरने से कीटनाशक स्प्रे किया जाता है, जिससे वे संक्रमण से बचे रहें। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी नागरिक को कोई भी परेशानी होती है, तो वो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 2346-9526 पर फोन कर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान अफवाह या झूठी खबर फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने वाले शरारती तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहती है। ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए भी पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस समय समय पर सड़कों और गलियों में घूम घूम कर लाउडस्पीकर के जरिए भी नागरिकों से घर पर रहने की अपील कर रही है। यही नहीं, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है, जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो और लोग बिना किसी कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इसके जरिए घनी आबादी या क्षेत्र पर आसानी से नजर रखी जा सकती है और हिदायतों का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सब्जी मंडियों पर भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करवाया जा रहा है, ताकि वहां खरीदारी करने आए लोग संक्रमण से बच सकें। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टरों, बैनर और साइनेसेस का भी दिल्ली पुलिस प्रयोग कर रही है। इन पोस्टर्स और बैनर्स को गलियों, सड़कों, एटीएम और बाजारों में लगाया गया है।
लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करके ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निर्देश का पालन करें और अपने घर पर ही रहें। दिल्ली पुलिस का सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें। एक नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपी हरीश और देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे में लगे हुए थे। ये गिरोह शराब सप्लाई करने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस को इन पर किसी तरह का शक ना हो। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर शराब से भरी एम्बुलेंस को छावला इलाके में रोका जब ये तस्करी के लिए जा रहे थे। इससे पहले कि ये भाग पाते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। छावला पुलिस स्टेशन इलाका के अंदर बॉर्डर की तरफ से, जो हरियाणा बॉर्डर पड़ता है उसकी तरफ से 4 पिकेट लगे हुए हैं। वैसे हमको ये जो अभी लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे ये पिकेट में चेकिंग होते रहते हैं, और एक गाड़ी एम्बुलेंस गाड़ी आई थी उसमें सस्पिशियस लग रहा था। जो हमारा पुलिस पर्सनल छावला थाना का जो टीम है वो चेकिंग करने में शुरू किया था। वो एम्बुलेंस गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति थे, एक का नाम देवेंद्र है, दूसरा का हरीश है। वो पीछे जो डेड बॉडी लेके जा सकते हैं वो वाला फ्रीजर के अंदर लगभग 1200 इलीगल क्वार्टर्स, इलिसिट लिकर क्वार्टर्स मिला था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 25 कार्टन शराब सहित तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस भी जब्त कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मामा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के सामने खाने पीने की समस्या ना आए, इसके लिए कई गैर सरकारी संगठन काम कर रही हैं। विपदा की इस घड़ी में दिल्ली पुलिस द्वारा भी रोजाना लाखों की संख्या में गरीबों को भोजन और अन्य जरूरी सामान वितरित किया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान
सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ा है। ऐसे लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। इस संकट की घड़ी में कई लोग और संस्थाएं सामने आई हैं, जो ऐसे लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराने में लगी हैं। दिल्ली पुलिस भी ऐसे लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन संस्थाओं को लॉकडाउन के दौरान भोजन सामग्री वितरण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें खास तौर पर पास जारी किए गए हैं। लॉकडाउन के शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रही है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। यही नहीं, पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशनों में ही अपने स्तर पर भी भोजन तैयार कर जरूरतमंदों को वितरित करने में लगे हैं ताकि वो भूखे ना रहें। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े बहुत से लोग भी दिल्ली पुलिस के इस प्रयास में बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए उनके द्वारा बड़ी मात्रा में राशन और जरूरत का अन्य सामान दान किया जा रहा है। इस सामग्री को पुलिस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही है। जहां जहां जरूरतमंद जो राशन की जो पुलिस कंट्रोल रूम में आते हैं, उसे हम दिल्ली पुलिस, हमारा 8 टीम है, फिर हम उसको सारा दिल्ली में जा जा के उसका घर घर तक पहुंचा देता है। लेकिन हम पहुंचाते समय में भी उनको ये भी हम संदेश देते हैं कि आप इस लड़ाई में भागीदारी ले, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने घर पे ही रहिएगा। जो समाज में जो भूखा है, जो अभी जो राशन की जरूरत है उनको दे रहा है, हम उनके साथ में करा के दिल्ली पुलिस 24 घंटा सबको राशन दे रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आगे भी जरूरतमंदों को भोजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली के बाहर से ड्यूटी पर आने वाले पुलिसकर्मियों को रोजाना आने जाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन परेशानियों को देखते हुए उनके दिल्ली में ही रहने की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस अपने फर्ज को अंजाम देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही ताकि लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। रोजाना बहुत से पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों से भी आते हैं। रास्ते सील होने की वजह से कई बार उन्हें भी आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही संक्रमण का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे कर्मचारियों की सेफ्टी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने इनके दिल्ली में ही ठहरने की व्यवस्था की है। इसके लिए पुलिस ने कई होटलों में पुलिस कर्मियों के लिए रूम बुक किए हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, भारत सरकार का जो आदेश है कि कोई भी आदमी मूवमेंट नहीं करेगा, तो हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, जो कि काफ़ी लोग हैं जो NCR से टू एंड फ्रो करते हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको आने जाने में परेशानी हो रही थी। और दूसरा, जैसे जैसे संक्रमण फैल रहा है, तो ये उनको संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि वो हमेशा फील्ड में रहते हैं और अपने एरिया में जाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, एक खतरा दूसरा वो भी था कि इस संक्रमण को वो अपने घर ना ले जाएं, फैमिली को ट्रांसमिट ना कर सके। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इन लोगों को यहाँ होटल में रखा जाए, तो उसके लिए हमने उनके लिए होटल की व्यवस्था की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनको ये परेशानी भी हो रही थी कि बॉर्डर सील किया हुआ था, उनको परमिट नहीं किया जा रहा था कि यहाँ से हरियाणा में जाने के लिए। तो इस दोनों ही रीज़न थे, संक्रमण ना फैलने देने के लिए और उनको जो दिक्कतें थी उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उनको अलग जगह जाना रखना जरूरी था। पुलिस कर्मियों के लिए हयात होटल में 13 कमरे बुक किए गए हैं। इन कमरों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन के खतरे को खत्म किया जा सके। ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मी आराम करने के लिए इन कमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खाने पीने की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। उससे है ना एडवांटेज ये हुआ कि ड्यूटी पे उनको आने जाने का उनका समय बचेगा और वो अपना ज़्यादा आराम कर सकेंगे और अच्छे से ड्यूटी कर सकेंगे।
सबके होटल में अंदर जाने से पहले अपने हैंड्स को उनको सैनिटाइज किया जाता है, उनकी उनको यूनिफॉर्म को उतार के प्लेन क्लॉथ में उनको भेजा जाता है, ताकि होटल की जो सैंक्टिटी है, सैनिटाइजेशन है और हाइजीन है होटल की, वो भी मेंटेन रहे, और होटल का जो दूसरा स्टाफ है, उनका अपना स्टाफ है, उनको भी कोई खतरा ना हो। मैं गुड़गांव रहता हूँ और मेरी पोस्टिंग आरकेपुरम पुलिस स्टेशन में है। जब हम गुड़गांव जाते थे तो लॉकडाउन की वजह से हरियाणा पुलिस हमें रोकती थी कि आप दिल्ली में बहुत कोरोना फैल रहा है और गुड़गांव में भी फैल सकता है, तो इस वजह से हमें रोकते थे। हमने हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बतलाया कि इस तरह हमें परेशानी है, जो NCR में जाते हैं तो पुलिस रोकती है। उसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमारे लिए हयात होटल में रूम्स, जो सिंगल रूम्स दिए हुए हैं, और रोज़ उनको सैनिटाइज करते हैं और काफ़ी हाइजीनिक किया हुआ है अंदर से। आए दिन हमें अप डाउन करना पड़ता था, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। बॉर्डर पे पुलिस हमें रोकती थी, फैमिली में भी छोटे बच्चे हैं, जो उनकी भी चिंता थी। सीनियर अफसरान को बतलाया तो सीनियर ऑफिसर्स ने इस के रिगार्डिंग वेलफेयर में हमें हयात होटल में रेजिडेंस के लिए प्रेफर किया, जो रूम्स वगैरह सब अच्छे हैं, सैनिटाइज किए हुए हैं, और थाने में भी ड्यूटी के दौरान सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ रहकर ड्यूटी करने पर पुलिस कर्मियों को अपने परिवार की तो कमी खलती ही है, लेकिन वे अपने परिवार को संभावित संक्रमण से भी दूर रख सकते हैं। साथ ही NCR में स्थित अपने घरों से दिल्ली में ड्यूटी के लिए आने के दौरान होने वाली दिक्कतों से भी बच रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।